कामरान, जुनैद ने कोई लड़की पसंद कर लिया क्या? तुम्हें क्या लगता है? जुनैद बहुत सीधा साधा बच्चा है, मुझे डर लगता है किसी गलत लड़की के चुंगल में न फंस जाए। तुम्हें तो मालूम है आजकल की लड़कियां खुद गले पड़ती हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है कि उसने अपने जैसी ही लड़की पसंद की होगी। तुम्हें तो सब कुछ बताया होगा उसने। क्या नाम पता उसका? जब उसके घर जाएंगे तो सब ही पता चल जाएगा। कामरान, उस दिन तो हम बात पक्की करने जाएंगे। मैं उस लड़की से पहले मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मेरे बेटे ने किसको पसंद किया है। मेरा मशवरा है रहने दो। तो जानते होंगे सुहानी के लिए एक लड़के का प्रपोजल आया है। जी जानता हूँ। सुहानी ने उस लड़के का नाम नहीं बताया आपको? नहीं, वो अभी उसे नहीं जानती। लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शायद आप भी जानती हैं। वो उस लड़की से मिलना चाहती है आज और अभी। हाँ मैंने ही कहा था आप उस लड़के से मिलो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। देखें उसने आपकी बात कितनी जल्दी मान ली, लेकिन ये मुलाकात यहाँ नहीं होगी, ऑफिस में नहीं। फिर कहाँ होगी? जहाँ हम पहली दफा मिले थे, समंदर के किनारे, इत्तेफाक से। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि चाय या फिर कॉफी? कॉफी। हेलो, 2 कॉफी भेजना अंदर। थैंक यू। तो फिर कब चलना है समुद्र के किनारे? राहिला तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अच्छा है ना, खुली फिजा में खुले जहन के साथ बात होगी, समझने और समझाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा तुमने मुझे बताया था कि जुनैद का कहीं से रिश्ता है। बात तो चल रही है, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही मैंने सोचा कि तुम दोनों की शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। पहले तुमने फिर वही बेकार बातें शुरू कर दी। अरे I mean कि तुम लोगों का रिलेशन इतना अच्छा है, शादी हो जाती, यही जहन में बार बार आता रहता। जुनैद किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन क्या वो मान नहीं रही। क्यों नहीं मान रही? जुनैद तो खुद इतना अच्छा लड़का है, इस लड़की को तो फौरन राजी हो जाना चाहिए, उसको सच में मान जाना चाहिए। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं। राहिला ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, मिलना चाहती हो। हाँ सुहानी, मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं सारी प्रॉब्लम पहले से ही जानता हूँ। तुम खुद से ज्यादा ज़रीन की फिक्र करती हो कि कहीं वो इग्नोर ना हो जाए, उसके साथ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसा ही है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने माँ की महरूमी देखी है और ज़रियो बाप की महरूमी देख रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे ज़रियो के साथ। हम एक दूसरे का साथ देंगे, अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाएंगे। मैं ज़रीन का ख्याल रखूंगा और तुम मेरा। जुनैद आप बहुत अच्छी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन शायद मैं आपको वो खुशियाँ ना दे पाऊँ जिनकी आपको ख्वाहिश है। मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैंने सिर्फ ज़रियाब से मोहब्बत की है और मैं किसी और से मोहब्बत करने का तसव्वुर कर ही नहीं सकती। आपने एक महरूमी देखी है, मुझे डर है कि एक और महरूमी आपकी जिंदगी में ना आ जाए। याद है सुहानी, तुमने कहा था कि जो किसी की महरूमी दूर करता है उसकी महरूमी खुद ब खुद ही दूर हो जाती है। हम दोनों अधूरे हैं। माजरत चाहता हूँ अहमद साहब, बार बार जहमत दे रहा हूँ। नहीं 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 सर, माजरत तो मुझे करनी चाहिए कि मैं आपको इंतजार करवा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपकी भी सुहानी से कोई बात नहीं? हाँ, वो असल में दफ्तर जाने की जल्दी में वो निकल गई, बात नहीं हो सकी, लेकिन आज शाम हो जाएगी बात उससे। अहमद साहब, मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को आकर मैं खुद सुहानी से बात करूँ। देख लीजिए जैसा आपको बेहतर लगे। जी हाँ अहमद साहब, मुझे यही मुनासिब लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं सुहानी से बात करूँ तो वो मान जाए। ठीक है कामरान साहब, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। अरे भाई सकीना, सकीना जी, वो मीठा बना लिया? मीठा नमकीन सब बन गया। चलो ठीक है, वो आने वाले हैं, फोन आ गया था उनका। देख लें अहमद साहब, जब कुदरत मेहरबान होती है तो अपने आप सारे काम सीधे हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुहानी इतनी जल्दी मान जाएगी। ये सब राहिला का किया, फिर उसने क्या जादू किया है, अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। वैसे उस बच्ची ने बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ अच्छा सकीना, वो क्या ख्याल है तुम्हारा, आपा को बुलाया जाए? नहीं नहीं, अभी उनको आपको इतला नहीं देंगे। अरे पहले बातचीत होने दें, कोई बात पक्की होने दें, फिर हम मिठाई लेकर जाएंगे ना उनकी तरफ। लेकिन अभी आप कुछ नहीं कहेंगे उन्हें। चलो ठीक है, चेंज कर लो तुम और मैं भी चेंज करके आता हूँ। ठीक है, कहते हैं सर, जैसे मैंने साड़ी और गरारा पहन के आना है। चले चले ठीक है, चले। You are so lucky, सुहानी। किस्मत तुम्हारे घर खुशियों का उजाला लेकर आ गई। और जुनैद से बेहतर साथी तुम्हें कोई और मिल भी नहीं सकता था। और ये कितनी अच्छी बात है कि वो तुमसे ज्यादा ज़रीन से मोहब्बत। सुहानी, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जुनैद को इनकार नहीं किया। अब तुम्हारे सारे जलते बुझते ख्वाब हमेशा के लिए रोशन हो जाएंगे। जुनैद बहुत अच्छा है राहिला। उनकी आंखों में मैंने सिर्फ खुलूस देखा है। कुदरत की तुम पर खास मेहरबानी है कि जुनैद इतना अच्छा रह गया। और ये तुम्हारा सब्र है जिसका फल बहुत मीठा होगा। एना, ए सकीना। जी। भाई तैयारियां मुकम्मल है ना सारी? अरे हाँ, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सुहानी भी रेडी हो गई है। ओह गुड। मेरा ख्याल है वो आ भी गए। हाँ, आप उन्हें ना ड्राइंग रूम में बिठाइएगा। ठीक है। मैं सुहानी को लेकर आती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरी उनको उठाना है या नहीं? नहीं। चलो बेटा, वो लोग आ गए। चलो सुहानी। अरे तुम चलो, मैं ज़रीन को उठा के लाती हूँ। नहीं नहीं, वो सो रहा है, उसको सोने दे। अरे बेटा, अब अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे अबू से कहूंगी वो ले जाएंगे आगे। अरे आप क्यों उठकर आ गए? आप तो वहाँ बैठते समझ। अच्छा अब आई गए तो जाके जरा ज़रीन को देख लिया। अगर वो उठ गया ना तो उसे भी ले। वो मैं ले आऊंगा ना, देर हो रही है। आज आज बेटा। बहन, ये हैं सायरा, जुनैद की वालदा। सॉरी भाई साहब, हमें रिश्ता कबूल नहीं है। सॉरी कामरान साहब, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों अहमद साहब, ये अब ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? अंकल, ये आप इनसे नहीं, अपनी वाइफ से पूछें। मुझे भी आपकी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं है। अपनी बेटी अपने पास रखिए। क्या बात क्या है? कुछ बताएगा मुझे? आप घर चले, वहां जाके बताती हूँ आपको बात क्या है। चलो जुनैद। सर आप कामरान साहब, बेहतर ये है कि आप अपनी वाइफ से पूछें। ये क्या था राहिला? सायरा आंटी जुनैद की माँ है। तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि जुनैद उस औरत का बेटा है। जुनैद सायरा आंटी का बेटा है। मतलब ये वही है जिनको सायरा आंटी ने बचपन में छोड़ दिया था। वलीद अंकल से शादी कर ली थी। उस औरत ने अंकल वलीद की डेथ के बाद दोबारा कामरान अंकल से शादी कर ली। तुम तो कह रही थी कि मेरे जलते बुझते ख्वाब हमेशा के लिए रोशन हो जाएंगे। मेरी जिंदगी में हमेशा उजाला हो जाएगा। ये कैसा ख्वाब है जो रोशन होने से पहले ही बच गया, जो तो सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब हमारे पास नहीं। लेकिन इसमें कामरान अंकल और जुनैद की भी कोई गलती नहीं। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही राहिला, ये तो मेरी किस्मत है। तुम अपनी किस्मत को कुछ ना कहो सुहानी, क्योंकि किस्मत तो हर लम्हा रंग बदलती है और क्या पता तकदीर के हाथों ने तुम्हारे आने वाले कल में क्या लिखा हो। और पता नहीं आंटी सायरा ने उन लोगों को क्या बताया होगा। तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा।